अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फिश ब्रीडिंग सीजन। फिश ब्रीडिंग को इंड्यूस करवाने के लिए कौन से हॉर्मोन्स हमें फिश की बॉडी में इंसर्ट करने पड़ते हैं, या फिर नेचुरली फिश के हाइपोथैलेमस में हॉर्मोन्स जो हैं वो प्रोड्यूस होने के सिग्नल प्रोड्यूस होते हैं जो कि टेस्टिस और ओवरीज को सिग्नल देते हैं कि आप स्पेस हॉर्मोन्स को इंड्यूस किया जाए प्रोड्यूस किया जाए ताकि गैमेट्स को रिलीज करें। एज यू नो के फिश की जो रिप्रोडक्शन है, फिश के जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल होती है। एक्सटर्नल मतलब बॉडी के से बाहर होती है, वाटर के अंदर होती है। अब अगर हम इसकी सीजन की बात करें तो फिश जो है वो थ्रू आउट सीजन ब्रीड कर सकती है, बट इट ऑलमोस्ट डिपेंड अपॉन द इन्वायरमेंटल कंडीशंस एंड एनाटॉमिकल फंक्शंस ऑफ द फिश। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि फिश ब्रीडिंग जो है उसको इंड्यूस करवाने के लिए कौन सा हार्मोन हमें फिश के बॉडी में इंसर्ट करना पड़ता है, कितना हार्मोन मेल के अंदर हम इंसर्ट करते हैं, कितना फीमेल के अंदर इंसर्ट करते हैं, और ब्रूडर्स को एक पाउंड के अंदर कितने ब्रूडर्स को हम रख सकते हैं, कितने केजी की फिश को रख सकते हैं। तो चलें लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि हम कितने नंबर ऑफ फिश को स्टॉक कर सकते हैं एक एकड़ के अंदर। इट इज़ मोस्ट प्रेफरेबल एंड मोस्ट मोस्ट सूटेबल फॉर द फिश अगर हम उसको 400 से 500 केजी की मतलब इतनी फिश है आपके पास तो एक एकड़ के अंदर आप उसको स्टॉक कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रेफरेबल है अगर आप 400 केजी फिश को एक एकड़ के अंदर स्टॉक करते हैं। जब आपने फिश को एक एकड़ के अंदर या एक पाउंड के अंदर या इक्वेरियम टैंक रेसवे एनी वेयर वेयर यू वांट टू डू ब्रीडिंग ऑफ द फिश, जहाँ पे आपने उसको स्टॉक किया वहाँ पे आपने फर्टिलाइजर को भी ऐड करना है। फर्टिलाइजर कुड बी ऑर्गेनिक एंड इट कुड बी इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक आपको पता है कि काउ डंग या मैन्योर की फॉर्म में होता है, और आपने इसको 1000 से 1500 केजी एक एकड़ के अंदर ऐड करना है, और आफ्टर एवरी 14 डेज, फोर्टनाइट मतलब आफ्टर एवरी 14 डेज। या फिर इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यानी कि जो खादें मार्केट में अवेलेबल हैं अगर आपने वो पाउंड के अंदर उसको यूज करना है तो वो 8 केजी रिकमेंडेड है, ठीक है, एक एकड़ के अंदर, और ये भी 14 डेज के बाद आपने इसको ऐड करना है। अब नेक्स्ट चीज ये है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ एडिंग दिस फर्टिलाइजर्स इधर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। एक्चुअली ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव फ्लक्चुएशंस को मेंटेन करती है और प्लांकटन लेवल को, जो प्लांकटन हैं उनके लेवल को मेंटेन करने में हेल्प कर रही होती है। अब जो फीड है ब्रूडर्स की वो क्या होनी चाहिए। फीड जो है वो राइस पॉलिश, मेज ग्लूटन और मोलासेस हम इस्तेमाल करते हैं, और उनकी रेशियो 7:2:1 के हिसाब से हम इसको यूज़ करते हैं। और जितना भी फिश का वेट होता है, चाहे वो 1 केजी की है, 1.5 केजी की है, 2 केजी की है, तो उसके हिसाब से हमने बॉडी वेट के हिसाब से उसकी फीड को कैलकुलेट करते हैं और एक दिन के अंदर उतनी फीड फिश को सप्लाई कर रहे होते हैं। अब जो है आपने मतलब जो डिफरेंट टाइप की फिश होती हैं, कुछ ओमनीवोर है, कुछ कार्निवोर है, कुछ हर्बीवोर है, तो जो हर्बीवोर फिश हैं उनको जो आपने फीड देनी है वो फूडर की फॉर्म में देनी है, यानी कि आपने उसको शटाला या बरसीन जो है वो ग्रीन फूडर आपने उसको सप्लाई करना है। और जिस पाउंड के अंदर आपने उस फिश को रखा है वहां पे आपने सेक्स रेशियो इस तरह से मेंटेन करनी है कि एक मेल के लिए एक फीमेल जो है वो होना चाहिए, और इसी तरीके से जितनी भी फिश होंगी उसको इसी रेशो से आपने 1:1 के हिसाब से एडजस्ट करना है और उसको स्टॉक करना है। देन द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज विच हार्मोन वी आर गोइंग टू इंजेक्ट इन द बॉडी ऑफ द फिश फॉर इंड्यूस ब्रीडिंग। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्मोन इज ओवा प्राइम, ठीक है। अब ये जो ओवा प्राइम है ये एक्चुअली स्टेबल सॉल्यूशन है जिसके पास दो चीजें होती हैं। पहली चीज है ओवा आरएच हार्मोन और दूसरा इसके पास होता है डोपामाइन इनहिबिटर, ठीक है। जब ये फिश की बॉडी के अंदर जाता है तो ये फीमेल में ओवुलेशन इंड्यूस करवाता है और मेल के अंदर ये स्पर्मिएशन का प्रोसेस स्टार्ट करवाता है, ठीक है। जब जाहिर सी बात है ये हार्मोन फिश की बॉडी में जाएगा तो एग भी रिलीज होने के चांसेस होते हैं, मैचुरेशन हो जाती है, और स्पर्म भी फीमेल मेल की बॉडी से रिलीज होते हैं, और ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं ऑर्नामेंटल फिश में। अब कितना हार्मोन आप फिश की बॉडी के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, इस हर फिश की स्पीशी के हिसाब से इसकी जो अमाउंट है वो डिफरेंट है।
जैसे यहाँ पे डिस्कस की गई है ग्रास कार्प है। ग्रास कार्प में फीमेल की बॉडी के अंदर आप 0.6 से 0.7 ml 1 kg की फिश के अंदर आप इंसर्ट कर सकते हैं, और मेल की बॉडी के अंदर आप 1 kg का अगर मेल है तो उसमें 0.1 से 0.2 ml आप उसकी बॉडी के अंदर इतनी डोज इंसर्ट करेंगे। बट अगर आपको ये लग रहा है कि फिश जो है वो फुली मिच्योर है, ठीक है, तो उसके अंदर ये डोज की कंसेंट्रेशन वेरी करेगी, और वो डोज जो है वो 0.6 ml/kg मेल के लिए होगी, 1 ml/kg जो है वो फीमेल के लिए होगी, ठीक है। और एक दफा ये हार्मोन फिश की बॉडी के अंदर चला जाता है तो उसके 10 से 12 घंटे के बाद जो है वो उसमें गैमेट्स रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंट फिश की स्पीशीज को डिस्कस किया गया है जिसके अंदर डिफरेंट ओवा प्राइम की कंसेंट्रेशन को इंड्यूस किया है। बिग हेड के अंदर डिफरेंट है, सिल्वर कार्प के अंदर डिफरेंट है, कैटला के अंदर डिफरेंट है, लेब्यू रोहिटा के अंदर, और श्राइनस मैरिगेला विच इज कॉमनली नोन एज मोरी उसके अंदर भी डिफरेंट है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही मतलब कंसंट्रेशन आप डिफरेंट फिश के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। हर एक फिश का इस हार्मोन को रिस्पॉन्ड करने का जो प्रोसेस होता है वो डिफरेंट होता है। अब जो है एक दफा आपने हार्मोन इंड्यूस किया है तो हैंड स्ट्रिपिंग का मेथड यूज होता है गैमेट्स को फिश की बॉडी से रिलीज करवाने के लिए। हैंड स्ट्रिपिंग जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि जेंटली फिश की बॉडी को प्रेस करना है जिसकी वजह से गैमेट्स जो हैं वो फिश की बॉडी से बाहर रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। अब एक दफा हैंड स्ट्रिपिंग की जाती है तो उसके बाद जो एग्स हैं या फिर स्पर्म है उनकी जो गैमेट्स हैं उनकी वायबिलिटी का टाइम भी डिफरेंट होता है। अब ट्राउट जो है उसका जो वायबल टाइम है वो ओवुलेशन के बाद 3 से 4 दिन तक वो सरवाइव कर सकती है, और बाकी भी डिफरेंट फिश की जो स्पीशीज हैं उनकी जो सरवाइवल का टाइम होता है वो डिफरेंट होता है। नाउ जब एक दफा ब्रीडिंग करवानी है उसके बाद जो है वो कितने एग को आप एक टैंक के अंदर रख सकते हैं, 8 लाख से 10 लाख जो हैं एग को आप स्टॉक कर सकते हैं एक टैंक के अंदर जिसका 5 सेंटीमीटर फिट डायमीटर जो है क्यूबिक फिट डायमीटर जो है उसके अंदर आप इसको रख सकते हैं, और वाटर सप्लाई आपने उसको प्रोवाइड करनी है 22 से 25 लीटर पर मिनट, ठीक है। और इसी तरीके से जो है नर्सिंग करनी है आपने हैचलिंग की, उसको फीड प्रोवाइड करनी है योक जो है योक फ्राई के लिए, योक जो है वो उससे अवॉइड करना है, और कितने टाइम के बाद आपने उसको फीड देनी है, 72 से 80 आवर्स के बाद या फिर 80 से 96 आवर के बाद, और वाटर टेम्परेचर जो है वो 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए या फिर 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो मोस्ट सुटेबल है। देन आपने जो फ्राई है मतलब कि एक दफा गैमेट्स रिलीज हो गए, लार्वा प्रोड्यूस हो गया, फ्राई है, तो फ्राई के लिए पॉन्ड को किस तरीके से प्रिपेयर करना। सबसे पहले तो जहाँ पे भी प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि जब भी आपने फिश को स्टॉक करना है तो सबसे पहले आपने सन ड्राई करना है पॉन्ड को, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपने फिश के पॉन्ड को डिसइन्फेक्ट करना है। डिफरेंट हमने केमिकल्स जो है वो डिस्कस किए थे प्रीवियस लेक्चर में, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप पहले उस लेक्चर को डिस्कस करें, उसको देखें ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो सन ड्राई करने के बाद आपने उसको डिसइनफेक्ट करना है, फिर आपने मैन्योर कोडंग को ऐड करना है, ठीक है। फिर आपने उसके अंदर वाटर ऐड कर देना है, वाटर की जो डेप्थ है वो 1.5 फीट से 2 फीट जो है वो मोस्ट सुटेबल है, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें आपने फर्टिलाइजर पाउंड फर्टिलाइज होने के बाद जो है वो आपने फर्टिलाइजर आपने पहले ऐड करना है जो कि हमने ऑर्गेनिक यूज किया, फिर आपने वाटर फिल करना है। उसके बाद जो है वो इसके अंदर आप डिफरेंट एरेटर्स ऐड करेंगे, पंप्स ऐड करेंगे ताकि उसमें एरेशन पॉसिबल हो। इसके बाद जो है वो इसमें आप इंसेक्टिसाइड ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ड्राई पाउंड इन केस ऑफ ड्राई पाउंड इज नॉट अवेलेबल, नेट आउट द स्टॉक फ्रॉम द फ्राई रिसीविंग पाउंड एज फार एज पॉसिबल, रिड्यूस द वाटर टू मिनिमम लेवल, ठीक है। और उसके बाद जो है अगर आप ऑर्गेनिक मेन्योर मजीद ऐड करना चाहते हैं तो 4000 से 5000 kg आपने 1 हेक्टेयर 1 एकड़ के अंदर आपने उसको ऐड करना है, और टेम्परेचर कितना आना चाहिए, 25 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो मोस्ट सुटेबल है। और इंसेक्टिसाइड मतलब अगर फ्राई जो है वो इंसेक्ट इंसेक्ट के ऊपर फीड कर रहा है तो वो भी आपने इतने ज्यादा ऐड नहीं करने, अदरवाइज जो है वो इंसेक्ट बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी भी कॉज कर सकते हैं, ठीक है।
और इसको आपने टाइमली चेक करते रहना है कि ज्यादा इंसेक्टिसाइड्स तो नहीं है, इंसेक्ट ज्यादा तो नहीं है। और इंसेक्टिसाइड भी आप उसको यूज कर सकते हैं उसको किल करने के लिए, कोई भी और पैथोजन है मतलब इंसेक्ट हैं जो कि हार्मफुल हो सकते हैं फिश के लिए, उसको किल करने के लिए आप इंसेक्टिसाइड यूज कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो डोज है वो भी एक लेवल पे होनी चाहिए, ऑप्टिमम होनी चाहिए। ये नहीं हो के ज्यादा इंसेक्टिसाइड होने की वजह से वाटर जो है वो डिटीरियोरेट हो जाएगा, वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स अल्टरनेट कर जाएंगे, जिसकी वजह से फिश जो है उसकी मोर्टेलिटी होने के चांसेस हो सकते हैं। अब जो है 1 एकड़ के अंदर आप कितने फ्राई को, 4 लाख जो है फ्राई उसमें आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और जब आपने फ्राई को एक पॉन्ड के अंदर ट्रांसफर करना है तो उसमें वाटर के टेम्परेचर को आपने मेंटेन रखना है एकदम से। हम कभी भी किसी भी फिश को, चाहे वो किसी भी स्टेज पे है, उसको ऐड नहीं करते। पहले हम उसको एक्लिमाटाइज होने देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उस पैकेट के अंदर जिसके अंदर आपकी फिश है उसमें थोड़ा वाटर ऐड करते जाते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको उसके इन्वायरमेंट में रिलीज कर देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है फीड आप कौन से प्रोवाइड कर सकते हैं, राइस पॉलिश, मेज ग्लूटन, ठीक है, 8:1 के हिसाब से आप उसको ऐड कर सकते हैं, क्योंकि फिश छोटी होती है फ्राई स्टेज में है, तो आप 5% के हिसाब से भी फीड उसको दे सकते हैं। लेकिन जो ही फिश बड़ी होगी तो फिर हम 2 या 3% बॉडी वेट के हिसाब से फिश को फीड सप्लाई कर रहे होते हैं। ये सारा आज का लेक्चर था। आई होप आज का लेक्चर आपको, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, स्टे कनेक्टेड। अपना ख्याल रखिएगा।